राजा, मैं कहती हूँ रुक जाओ राजा, मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मैं लगा इस तरह का हंगामा करके आए? राजा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बिना जी सकोगे? नहीं। तो फिर इस तरह मुंह क्यों फेर रहे हो? मधु, जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर आज इस लायक किया जिससे तुम प्यार कर सको, आज जो लोगों के एहसान का पलड़ा तुम्हारे प्यार पर भारी पड़ रहा है। क्या मतलब? फूलों के पालने में पाला है उन लोगों ने इस अनाथ को। बचपन में जब छींक आ जाती थी ना, तो माँ बेचैन हो जाती थी। जब बुखार आ जाता था ना, तो बाबूजी आसपास के गांव के तमाम वैद्य और हकीमों को इकट्ठा कर लेते थे। बड़े बड़े नसीब वालों को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार मुझ बदनसीब को मिला है। मालूम है माधु, तुमने तो राजा बाबू से प्यार किया, जमींदार राजा बाबू, मगर ये राजा बाबू एकदम कंगाल निकला। मेरे पास अपना कुछ नहीं है इस दुनिया में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, जो प्यार की जोत तुमने मेरे दिल में जगाई है, अब उसे तुम तो क्या, सारी दुनिया नहीं बुझा सकती। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अपनी पढ़ाई के घमंड में मैंने जो कुछ भी कहा था उसे मेरी नादानी समझकर भूल जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ कर दिया, अब तुम भी मुझे माफ करो। बाबूजी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो इस तरह मुंह फेर कर क्यों जा रहे हैं? देखो, मेरे बेटे का एक लड़की के साथ मैंने रिश्ता किया था, उसके लिए कार्ड भी छपवाए थे। वो कार्ड भरी महफिल में मेरे मुंह पे मारे गए थे, वो बात मैं भुला चुका हूँ। मेरी पत्नी ने मुझको बताया बिना तुम्हें वो तस्वीर दिखाई थी जो मेरे बेटे की वकील की लिबास में थी, उसके लिए भरी महफिल में मुझे फिर जलील किया गया, वो बात मैं भुला चुका हूँ। उस बात के लिए मैं अपनी पत्नी को माफ भी कर दिया है, सब भुला दिया मैंने। बाबूजी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं आपके बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए बाबूजी। बेटी, ये देखो, मैंने अपने बेटे का एक और जगह रिश्ता तय किया और उसके लिए कार्ड भी छप गए हैं, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप ये शादी कैसे करते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र आपके बेटे के हाथों ही पड़ेगा। क्या बदतमीजी कर रही है तू मेरे बाबूजी के साथ? मेरे बाबूजी जो कहेंगे वही होगा, ये जिसके गले में मंगलसूत्र डालने के लिए कहेंगे मैं डाल दूंगा। राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? सबके सामने कुछ कहते हो, अकेले में कुछ और कहते हो। मेरे दिल पे क्या गुजरती है इसका भी कुछ ख्याल है तुम्हें? बेदर्दी कहीं के। अरे किसनवा, अरे मुझे तो ऐसा क्या कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। अरे मुझे तो इस लड़की की बातों का डर नहीं, हमारा शक तो राजा पर है। बाबूजी, आप मुझे शक की निगाह से मत देखिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी शादी काका की बेटी के साथ ही होगी। आप कहे तो मैं अभी उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता हूं। नहीं, मुझे विश्वास है तुझ पर। कौन है तुम यहां क्या कर रही हो? हटो जी, यहां नहीं आऊंगी तो और कहां जाऊंगी? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, कल किसी तरह मैंने अपने आपको बाबूजी से बचा लिया, अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो। बाबूजी आ रहे हैं। अरे बाबूजी आ रहे हैं। देखो राजा, अब अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे देख लेंगे, मैं इस घास में छुप जाती हूँ, जब वो जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, तुम छुप जाओ। अरे अरे सुनो, बाबूजी के जाते ही मुझे आवाज दे देना। हाँ दे दूंगा। राजा जी। बाबूजी, मैंने तुझसे कहा था दूसरों से काम करवाना, तूने खुद शुरू कर दिया। तो क्या करूं बाबूजी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने चाहिए। मार गया। क्यों? धूप 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 होते बाबूजी, आप बहुत छांव में खड़े रहकर बात कीजिए ना। अरे कहाँ है तू,
चल मैं काम कर, लोग जुकाम से मरने का धूप है। अरे नहीं नंदू, ये क्या कर रहा है तू? गैया को चारा डाल रहा हूँ। अरे मैंने चारा डाल दिया, तू जाया से। फिर वो भूखता भैं क्यों कर रही है? थोड़ा सा और डाल। अरे नहीं मैंने डाल दिया, तू जाया से। अरे बेटा क्या है, क्यों जिद कर रहा? थोड़ी सी घास डालना चाहते तो डालने देना। नहीं नहीं बाबूजी, वो ज्यादा खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी। घास खाने से तू जाया से। ये क्या हो रहा है बाबूजी? आइए छांव में खड़े रहते हैं। यहाँ क्या बोल रही है? आइए ना। अच्छा बाबा चल। ये क्या है, ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया? अरे ये तो किसी लड़की की ओढ़नी लगती है। अरे क्या काका, किसी भी फालतू कपड़े को ओढ़नी कहते हो? कोई फेंक गया होगा है? कितने भोले हैं, रेशमी कपड़े की भी पहचान नहीं है इनको। अजी सुनिए, आपके बाबूजी गए या नहीं? घास पे बहुत खुजली हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि आपके चुमने से पहले बाबूजी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाभी आप लोग, अरे राजा जी आपने बताया क्यों नहीं किए, लोग अभी तक गए नहीं। मैं चलती हूँ, चुम्मा याद रखोगे ना? मेरी ओढ़नी कहाँ है? ये लीजिए आपकी ओढ़नी भाभी जी। अच्छा राजा, राजा जी कल फिर मिलूंगी। देखा आपने, एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ रासलीला मनाई जा रही है। बाबूजी ये लड़की झूठ कह रही थी, इसे आते ही मैंने जाने के लिए कहा, मगर आपको आता देखकर ये घास के डेरे में घुस गई। मेरा यकीन मानिए बाबूजी, ये लड़की जो कह रही थी झूठ कह रही थी। एक बात याद रखना राजा बेटा, तेरी शादी की गांठ से मेरी इज्जत बंधी हुई है।